हेलो भाई, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई, इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आपको डर्मा रोलर कैसे यूज करना चाहिए और आपको कौन सा डर्मा रोलर परचेज करना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियाँ हम लोग कर देते हैं डर्मा रोलर परचेज करने में और कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं कि डर्मा रोलर को हम कैसे यूज करते हैं, हम उसको गलत तरीके से यूज करते हैं, इस वजह से भी हमें जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप डर्मा रोलर को किस तरह से यूज करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हो, मैंने कैसे यूज किया था ये भी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और कितने दिन तक यूज किया था ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो डर्मा रोलर यूज किया था वो मात्र 5 से 6 बार ही यूज किया था, उसके बाद मैंने डर्मा रोलर यूज ही नहीं किया था। तो जब मैं शुरू में मिनोक्सिडिल लगाता था तो 2 हफ्ते के बाद या फिर 2.5 हफ्ते के बाद ही मैंने डर्मा रोलर परचेस कर लिया था और उसके बाद मैं उसको बस हफ्ते में एक बार लग यूज करता था और उसके बाद मैंने 5 से 6 बार ही यूज किया था, फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था यूज करना। लेकिन ये है कि डर्मा रोलर से जो मेरी बियर्ड ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, काफ़ी अच्छा मुझे उसका रिजल्ट मिला था। आपको 200 से 220 के अंदर में ही मिल जाएगा। बाकी आप लोग को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अगर परचेस करना चाहते हो तो जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको डर्मा रोलर का यूज ऐसे करना है जिसे आपको जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा मिले। मेरे पास डर्मा रोलर तो नहीं है यार, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दे रहा हूं क्योंकि आप लोग को पता है कि मुझे मिनोक्सिडिल छोड़े हुए 6 महीने हो चुके हैं, तो इस वजह से यार पता नहीं कहां रखा गया, मुझे मिल नहीं रहा था। फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को डर्मा रोलर कैसे यूज करना है और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अगर आप उस तरह से यूज करते हो तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो भाई, आपको डर्मा रोलर जो है वो 0.5 mm का परचेस करना है। बहुत भाई क्या गलती करते हैं कि 1 mm 1.5 mm का भी परचेस कर लेते हैं, लेकिन ऐसा गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब भी परचेस करो 0.5 mm का ही परचेस करो, क्योंकि जो उसमें नीडल होती है वो काफ़ी छोटी छोटी होती है और यहाँ के स्किन जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। और अगर आप 1 mm 1.5 mm का डर्मा रोलर परचेस करते हो तो उसका जो नीडल है वो काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, तो अगर आप उसको यूज करते हो तो आपकी जो यहाँ की स्किन है वो काफ़ी छिल जाती है, फिर आपको प्रॉब्लम होता है। तो भाई, आप लोग 0.5 mm का ही डर्मा रोलर परचेस करना, वो आपके इस स्किन के लिए काफ़ी बेटर है और उससे ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आप लोग जब भी ऑनलाइन परचेस करना तो 0.5 mm का देखकर ही खरीदना। तो बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे यूज करना है। तो आप जब भी डर्मा रोलर यूज किया करो तो पहले तो मतलब कि जैसे मल्टीप्लाई का जो निशान होता है उसी तरह यूज किया करो, जैसे आप लोगों ने एक बार ऐसे चला दिया, एक बार ऐसे चला दिया, फिर आपको क्या करना है कि प्लस का निशान बनाना है, ध्यान देना। और मतलब हर जगह ना पर्टिकुलर एरिया में, जैसे जहाँ की आपकी बियर्ड कम आती होगी सबसे पहले वहाँ पर उसको यूज करना है, ठीक है? तो पहले आपको इस शेप में चलाना है, फिर कुछ देर बाद इस शेप में, फिर प्लस के शेप में, ठीक है? आपको चारों तरफ एकदम अच्छे से चलाना है। जहां पे आपको कम बियर्ड आ रहा होगा पहले आपको वहां पे मल्टीप्लाई की तरह चला लेना है, फिर उसी पे प्लस की तरह चलाना है। जहां जहां आपका बियर्ड कम होगा पहले वहां पे आप मतलब अच्छे से यूज कर लो, फिर उसके बाद जो अगल बगल के एरिया में होता है वहां पर भी आप ऐसे ऐसे भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर आपको बियर्ड कम होगा तो वहां पर आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई मतलब यूज करना है, फिर उसके बाद वहां पर प्लस की तरह यूज करना है। आप लोग नीचे के एरिया में भी उसी तरह यूज कर सकते हो। आप करके देखना, काफी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा और आपको ये काफी देर तक नहीं करना है, आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट तक ही करना है। ये नहीं कि लगे पड़े हैं उसी में 10-15 मिनट 20 मिनट तक रगड़ रहे हैं, तो क्या होगा कि आपकी जो यहाँ की स्किन है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी, फिर आपका उसका दूसरा ट्रीटमेंट चलने लगेगा। लेकिन आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर डर्मा रोलर यूज करते हो तो मात्र 4 से 5 मिनट तक ही यूज किया करो। और आप लोगों को क्या करना है कि आप जब डर्मा रोलर यूज करते हो तो फिर उसके बाद आपको मिनोक्सिडिल यूज करना है। मिनोक्सिडिल आप जैसे ही अप्लाई करोगे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जलन होगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जलन मुझे भी हुआ था, वो मतलब आधे घंटे में ही वो सही हो जाएगा जलन, लेकिन हल्का हल्का सूजन आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप अगर रात में करते हो तो सुबह तक वो ठीक हो जाएगा। बाकी आप सुबह में अगर डर्मा रोलर का यूज करते हो तो वो शाम तक मैक्सिमम ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ देर तक मतलब कुछ देर तक आपको थोड़ा सा जलन और मतलब हल्का हल्का दर्द वो बना रहता है, तो इससे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि डर्मा रोलर कैसे यूज करना है, आप लोग इस तरह से यूज करके देख लेना, आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।